दिसंबर साल का लास्ट मंथ होता है और लगभग हर कोई इस आखिरी महीने में अपनी हसीन यादों को जीवन भर के लिए समेट लेना चाहता है। इसीलिए जो लोग घूमने का शौक रखते हैं वो हसीन जगहों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। दिसंबर साल का ऐसा महीना होता है जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं। दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों पर बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। हिमाचल प्रदेश असीम खूबसूरती का भंडार है। शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला या डलहौजी जैसी जगहों चर्चित जगहों पर हर दिन हजारों लोग घूमने पहुँचते हैं। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश में आप किसी हसीन जगह पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो फिर आपको केलांग पहुंचना चाहिए। केलांग की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि इसे कई लोग हिमाचल का स्वर्ग भी बोलते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत झील, मनमोहक झरने और घास के मैदान इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। बर्फबारी के समय इस जगह की खूबसूरती चरम स्थल पर होती है, इसीलिए कई कपल्स यहाँ पर अपना हनीमून मनाने के लिए भी आते हैं। मेचुका वैली भारत में स्थित है। स्पीति घाटी, कांगड़ा घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, युमथांग घाटी और नेबुरा वैली जैसी चर्चित घाटियों में आप एक बार नहीं बल्कि कई बार घूमने गए होंगे। लेकिन मेचुका वैली की खूबसूरती के आगे इन सब वैलियों की खूबसूरती फीकी पड़ सकती है। मेचुका वैली अरुणाचल प्रदेश के हसीन वादियों में मौजूद एक जन्नत है। चीन की सीमा से सटे इस वैली की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि इसे नॉर्थ ईस्ट का स्वर्ग भी माना जाता है। बर्फबारी के समय इस वैली की खूबसूरती बेहद ही अच्छी हो जाती है, इसीलिए कई लोग दिसंबर के महीने में ही घूमने के लिए निकल जाते हैं। बांसवाड़ा शायद ही आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बताते हैं कि बांसवाड़ा राजस्थान में ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता है। अगर आप ऐतिहासिक इमारत, महल और फोर्ट के बीच ग्रीन वैली में घूमना चाहते हैं तो फिर बांसवाड़ा दिसंबर के महीने में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अरावली के सुरमई पहाड़ियों के बीच स्थित बांसवाड़ा एक बेहद ही शांत और हसीन जगह के रूप में फेमस है। सर्दियों के मौसम में आप यहाँ परिवार, दोस्त या पार्टनर के साथ घूमने का एक अलग ही मज़ा ले सकते हैं। बाकी इसमें आपको सबसे अच्छी घूमने की कौन सी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।